एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माइक्रोप टॉक योर ओन यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हम फंजाई की स्टेनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज टेप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आज जो टेप होती है, सेलो टेप होती है, ओके, ट्रांसपेरेंट वाली, इससे कैसे हम क्या कर सकते हैं, फंजाई को स्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सैंपल है, ये एक जिंजर सैंपल है, ओके, अदरक जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ओके, इससे मैं आपको ये स्टेनिंग करके दिखाऊंगी, ओके। तो हमें पहले चाहिए होगा टेप और एक सैंपल यानी कि फंगल सैंपल, ओके। आप पैटरी पे अगर आपके फंजाई है तो आप उससे भी कर सकते हैं इसी मेथड से, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसे वाला जैसे ये जिंजर है ऐसा ही सैंपल चाहिए होगा। दूसरा हमें चाहिए होगी एक सीजर, ओके, एक ड्रॉपर, और कुछ चाहिए होंगे आपको क्लीन स्लाइड, ओके। तो चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सैंपल निकाल के रख लिया है। अब आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये ड्रॉपर आपको ले लेना है यहाँ से, और जो वन ड्रॉप है आपको ये जो स्लाइड है दिख रही है ना, इस पर आपको कौन सा लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू को डाल लेना है, वन ड्रॉप, ओके। नॉर्मल तरीके से कैसे करते हैं फंजाई को स्टेन, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ओके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको स्टेनिंग टेक्निक का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है अलग से, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, वन ड्रॉप सैंपल ले लिया है, सैंपल नहीं सॉरी, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू जो क्या है, स्टेनिंग स्टेन है, ओके। जो मैंने पहले आपको स्टेनिंग बताई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, साथ में इसका प्रिंसिपल भी बताया था कि कैसे वर्क करता है फंजाई को स्टेन करने के लिए। अब इस पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये क्या है, टेप है सिंपल, आप इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, ओके। क्योंकि अब इस वाली साइड आपके क्या आ गया, यहाँ पे आपके हैंड्स के इंप्रेशन आ गए, और मैं यहाँ से देख रही हूँ कुछ ये टेप गंदी भी है, तो मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, यहाँ से इसको कट कर देने वाली हूँ, ओके, और इसको फेंक देना है। फिर क्या करना है आपको, किसी भी एक क्लीन, कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर ये स्टिक ले रही हूँ एक, ओके, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, ये पकड़ना है और पीछे की साइड से पकड़ के आपको इसको खोल लेना है, ओके, और क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ओके। तो ये आपकी क्या हो गई, टेप ऐसे करके कट हो गई है, ठीक है। इस टेप का आपको क्या करना है, ये जो फंगस है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फंगस देख रहे हैं, ओके, इसको एक और निडल ले करके या फिर एक फोर्सेप ले करके, जैसे मैंने यहाँ पर ली, स्टेरिलाइज है ये, ओके, इसको क्या कर लेना है, बहुत ही ध्यान से ये जो यहाँ पर भी आपका फंजाई का सैंपल है उस पर लगा देना है, वो थोड़ा सा इसको क्या करना है, प्रेस करना है, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। इससे क्या होगा, ये जो भी स्पोर्स होंगे फंजाई के, फंजाई की कॉलोनी होगी, वो क्या होगी, इस पर लग जाएगी। और अब आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से इसको क्या कर लेना है, यहाँ से उतार लेना है, ये देखिए इस पर फंजाई लग गई है यहाँ पर, और इसको क्या करूँगी मैं, यहाँ पर प्लेस कर दूँगी, ओके, जहाँ पर मैंने स्टेन डाला हुआ है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पर आपको इसको प्लेस करना है, ओके, और सिंपली इसको क्या कर देना है, साइड से जो टेप है इसको क्या कर देना है, कट कर देना है, ओके, और इसको थोड़ा सा टीज करना है। यहाँ पर देखिए एक एयर बबल आ गया है, इसको रिमूव करना है धीरे धीरे करके, ओके, क्योंकि एयर बबल्स इसमें नहीं आने चाहिए। और अब क्या करना है, सिंपली आपको इसको माइक्रोस्कोप में जा करके देखना है, फंजाई को हम कितने एक्स पर देखते हैं, 45x पर देखते हैं, 10x पर भी देख सकते हैं, ओके, 10 और 45x पर हमें फंजाई के स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, नॉर्मली क्लियर हो जाते हैं। तो मैं इसको अब देखूँगी माइक्रोस्कोप पर। तो ये 10x पर माइक्रोस्कोपी व्यू है, ये वीडियो में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मैं इमेजेस साथ में यहाँ पर लगा देती हूँ मोर क्लियरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस है 10x की हैं ये सभी इमेजेस, और इसके बाद मैं कुछ इमेज ऐड कर रही हूँ 45x की, ओके, तो ये 10x की है, ये लास्ट इमेज है 10x की, और अब ये जो इमेजेस हैं ये 45x पर है, ओके, थोड़ा ये और क्या दिख रहा है, जूम होकर के इसमें आपको दिखाई दे रहा है,